अरे वो लड़का भी पकड़ा गया है जो इनके साथ रिलेशन बनाया हुआ था, शादी करने के बाद छोड़ दिया था। माँ को बहुत ज्यादा मारे हैं, सब बोल रहे हैं सब गांव से उजाड़ देंगे। इलेक्शन यदि बढ़िया से लिया होता तो आज यार देखने को दिन नहीं मिलता। उसका भाई गाली भी दे रहा था, बोल रहा है कि हम रखेंगे नहीं, घर में रहने नहीं देंगे। आपको याद होगा सिवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के परसिया गांव में एक मैं न्यूज दिखाया था जिसमें लड़की के साथ शादी करने के बाद गलत संबंध भी बनाया था और उसके बाद लड़का छोड़कर भाग गया था। लड़की शर्मा थी और लड़का यादव था। और उसके बाद यहां पर जो न्यूज चलाने के बाद असर थाने पर हुआ, थाना के जो प्रभारी थे इस पर एक्शन लिए, केस के जो आईओ थी खुशबू कुमारी उन्हें वहां पर भेजे और इस केस में जितने लोग थे उस घर से गिरफ्तार करने के बाद मैरवा थाने पर लेते आए। मैरवा थाने पर आने के बाद उस घर में 2 से 3 लोग बचे थे जो उस लड़की के घर पर अटैक कर दिए। हमला होने के बाद लड़की के घर वाले, उसकी माँ और जितने भी बहन थी सब घायल हो गई। यहाँ पर हम आप लोगों को दिखाते हैं, मैरवा रेफरल अस्पताल में इस समय हम लोग स्थित है और यहाँ पर चलकर लड़की से बात करते हैं। गांव में झगड़ा होने के बाद जब ये घायल हो गए तो यहाँ रेफरल अस्पताल मैरवा में इन लोगों का इलाज चल रहा है। अभी लोगों से हम लोग पता करते हैं, सबको यहाँ पर चोट आया है। यहाँ पर इन लोगों की माँ भी है, वो भी पड़ी हुई है, सर पर उनके ज्यादा चोट आया। यही वो लड़की है जिसके साथ गलत संबंध बनाया गया था, उसी को लेकर FIR भी हुआ, उसी के लेकर उस घर में गिरफ्तारी भी हुआ और उसके बाद गिरफ्तारी होने के बाद जो घर में बचे थे वो इन लोगों को मारे पीटे हैं, ऐसा ही ना हुआ था। हाँ। क्या नाम है आपका? गुड़िया शर्मा। गुड़िया शर्मा, क्या हुआ था? गुड़िया शर्मा। गुड़िया शर्मा, क्या हुआ था वहाँ पे? ये हुआ था कि मैरवा थाना से खुशबू मैडम गई थी, तो गई तो उनके घर पे कोई जेंट्स नहीं मिला, तो औरत कोई उठा लाई, तो उसके घर वाले, उसके घर के जितने भी मर्द थे फिर आए और आकर बोल रहे हैं कि अब हम मारपीट करेंगे बिना खून खराबा किए, जान से मारे हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं थाना में। वही वो लोग उठे तो मार दिए, मार कर दरवाजा वरवाजा सारा तोड़ ताड़ दिए है मार उड़ कर। और क्या किए? सबको चोट लगा है गंभीर? सबको बहुत ज्यादा चोट लगा है। और उसका भाई गाली भी दे रहा था, बोल रहा है कि हम रखेंगे नहीं, घर में रहने नहीं देंगे। वो भी आया है क्या? वो लड़का आया है जिसके साथ आपका रिलेशन? हाँ, सत्येंद्र यादव आया है, वो जेल में बंद है। वो पकड़ा गया? हाँ, वो पकड़ा गया। पकड़े गए? उसके घर के 4 औरतें हैं और 1 जेंट्स में है। और उसके बाद जो मारा है वो भी थाने पे आया है, तो हम बोले कि मैडम ये था, तो वो लोग झूठ बोल रहे थे। उसका भाई बोल रहा है अवधेश कि नहीं हम नहीं थे, और राजेश बोल रहा है कि हम नहीं थे, सब बोल रहे थे कि हम नहीं थे। उसमें भी मुखिया भी है, वो भी पचगीच के बात कर रहा था, यही क्या कैथौली का मुखिया है, वो बोल रहा है कि नहीं ये तो मेरे पास था राजेश यादव। हम बोले कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। मारने वाले में उसके घर के सब लोग थे? हाँ, सब लोग थे। आपको कहाँ चोट आया? पैर में। पैर में आया है? किस चीज से वार किए हैं वो लोग? रड था और बांस था। आकर मारने ही लगे कुछ? हाँ, डायरेक्ट आकर मारने लगे और गाली भी दे रहे थे। आपकी माँ को भी मार दिए? माँ को बहुत ज्यादा मारे हैं, सब बोल रहे हैं सब गांव से उजाड़ देंगे। सर पे किससे वार किए? सर पे मेरी बड़ी वाली बहन के और माँ के सिर पे रड से मारे हैं सब, और बांस से। हाँ, ये आपकी बड़ी बहन है, आपको सर पे मारे है ना? हाँ, हमको सर पे मारे हैं। शीला शर्मा मेरा नाम है। बहुत बुरी तरीके से वो लोग मारे हैं हम लोग को, घुस को डायरेक्ट। आपका इलाज हुआ है? बता रही थी पैर में चोट लगा है, पट्टी वगैरह बांधा गया है? क्या बोल रही थी? बहुत बुरी तरीके से वो लोग मारे हैं, डायरेक्ट घुस के मारना शुरू कर दिए पूरी फैमिली। कौन कौन मारा? अधेश मारा है और फिर से अजय मारा है यादव, और वो मारा है पियर मारा है राजेश यादव। पूरा नाम बताइए सबका। राजेश यादव, अधेश यादव और अजय यादव। अपने आपके बहन का जिसके घर से संबंध था, शादी हुआ था, उसी घर के लोग आप पर अटैक किए? हाँ, उसी घर के लोग अटैक किए, बोले कि गांव से उजाड़ के हटा देंगे इसको, गांव में रहने पर फिर जाकर तो दोनों रहेंगे या नहीं तो कोई नहीं रहेगा, ये दोनों को गाँव छोड़ के भगा देंगे, लड़का लड़की को दोनों को बोल रहा है। मारपीट होने के बाद आप थाने पर बताई हैं आप लोग? हाँ, बताई हूँ थाने पे। क्या बोले हैं? बोली हैं लोग कि जाओ पहले दवा करा के आओ, तो फिर तुम्हारा वो जो लिखा जाएगा वो लिखाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं उन लोगों के घर द्वारा, जितने भी लोग घर पे बचे थे वहाँ कुछ भी मैडम गई थी, वहाँ पर लेडी जो मिली उसे पकड़ कर लेते आए। अरे वो लड़का भी पकड़ा गया है जो इनके साथ रिलेशन बनाया हुआ था, शादी करने के बाद छोड़ दिया था, और उसके बाद जितने मर्द लोग बचे वहाँ आकर इन लोगों पर अटैक कर दिए। आज ही उन लोगों को पकड़ा गया था और आज ही ये लोग शाम को झगड़ा भी कर दिया, और इसी समय इनका भी सर मार कर पूरा फोड़ दिया है। वो लोग छड़ से बता रहे हैं कि छड़ से इस पर वार किया गया है। अब यहाँ पर उस पंचायत के मुखिया जी, एक्स मुखिया हैं आप? पूर्व मुखिया पूर्व मुखिया हैं।
इस झगड़े के बारे में आप क्या जानते हैं? जी पहले से तो वही जानते हैं कि जो महिला के साथ जो जब ये प्रेग्नेंट हुई तभी से हम मामला को जाने तब तक लोग उजागर करने लगा। उजागर करने से कहीं थाने में आया, लोग आवेदन दिया, आवेदन देने के बाद से महिला थाना गया। महिला थाना थोड़ा मोड़ा एक्शन लोग लिया है, बहुत एक्शन नहीं लिया। एक्शन यदि बढ़िया से लिया होता तो आज यह देखने को दिन नहीं मिलता। तो जो हुआ सो हुआ, तो झगड़ा तो कर दिए हैं लोग। तो महिला आज पुलिस कुछ कार्रवाई की जिसके नतीजा से लोग गए तो घर के लोगों को कुछ महिला वहिला को उठा करके लाए। महिला उसमें घर के पुरुष लोग आक्रोश में आकर के इन लोगों को लाठी डंडा रॉड जो भी है उससे प्रहार किया सब। और जिसे सामने है कि जो घर सर फटा हुआ है एक लड़की का और एक महिला का। आपको मालूम है वो लड़की प्रेग्नेंट हुई जी? जी तभी हम जाने जब ये मामला हमारे पास आया किस इस तरह का स्थिति है। तो उसमें हमने तो बुला करके भी कह दिया कि जे भाई दो ही उपाय है तुम्हारे पास, या तो रख लो या नहीं तो कैसे मानती है इसको मना लूं, तुम्हारे पास इसका इलाज है हमारे पास इलाज नहीं। उसके बाद हमने कह करके चल दिया। लड़का वो मान नहीं रहा? ना 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 ना, उसके बड़े भाई भी था साथ में, वो लोग भी था लेकिन कोई नहीं बात हमारा माना। अब चलिए देखते हैं सीवान जिले में ऐसी आपराधिक मामला है तो ज्यादा ही हो गए हैं। नॉर्मल आदमी भी इस समय छोटी सी झगड़ा में मारकर फोड़ दे रहा है या जान से मार दे रहा है। चलिए इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह दबंग 24 से धन्यवाद।